अखिलेश यादव ने योगी सरकार को गरीब विरोधी क्यों बताया? अखिलेश यादव ने योगी सरकार से क्यों मांगा त्याग पत्र? दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिक पर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने अध्यादेश को पारित कर अगले 3 सालों के लिए प्रदेश में श्रमिक कानूनों को निलंबित करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार का मानना है कि इसके जरिए कोरोना वायरस के संकट में सूबे में आर्थिक गतिविधियों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उससे निपटने में मदद मिल सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों से अस्थाई छूट का अध्यादेश 2020 को पारित किया गया। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष भेजा गया है। हालांकि इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के जरिए अपना विरोध जताया था। उन्होंने अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने विरोध जताया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत सारी तकलीफ होगी, श्रमिकों को तकलीफ होगी और बहुत सारे कुछ गलत चीज हो सकती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, नमस्कार।